हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बनके दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए। NIOS के संग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के प्रोग्राम में मैं शुएब रज़ा ख़ान आपका खैर मकदम करता हूँ। उर्दू शायरी में हुब्बुल वतनी, इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर इब्न कमल साहब, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में प्रोफेसर हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शफ़ी अयूब साहब, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में दर्स व तदरीस का काम कर रहे हैं। इब्न कमल साहब, जैसे कि हमारे तालिब इल्मों को मालूम है और आज आपको भी मालूम है कि हमने मौजू रखा है उर्दू शायरी में हुब्बुल वतनी, तो सबसे पहले आप हमारे तालिब इल्मों को ये बताएं कि हुब्बुल वतनी क्या है। देखिए शुएब साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे निसाब 10वीं या 12वीं के जी जब तैयार होते हैं जी, तो हम जहां मुख्तलिफ मौजूआत पर उसमें नसरी और शेरी असनाफ को रखते हैं जी जी, और मुख्तलिफ मौजूआत पर, तो आप लोग इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि उसमें हुब्बुल वतनी के अनासिर जिन फनपारों में मौजूद हों वो भी उसमें शामिल है। ज़ाहिर है कि तालिबे इल्मों के लिए या आम कारी के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि जो शायरी हो रही है या जो अदब लिखा जा रहा है जी, उसमें वतन से मुतालिक क्या कुछ है जी, उसका कुछ मकसद है या नहीं है। मकसदी शायरी, देखिए हुब्बुल वतनी यानी वतन से, अपने वतन से मोहब्बत जी, ये हर इंसान या हर मज़हब में ज़रूरी बताई गई है कि आप अपने वतन से मोहब्बत कीजिए। अच्छा, वतन से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप वतन के लिए जान दे दीजिए, आज़ादी की लड़ाई में जैसे हुआ था, वो भी है एक हिस्सा, लेकिन आप वतन की हर चीज़ से मोहब्बत कीजिए। वतन की खूबसूरती से, वतन के पेड़ों से, मुल्क में जो पेड़ हैं, पहाड़ हैं, वतन के लोगों से जी। तो हुब्बुल वतनी का ये, आप देखिए किसी चीज़ से, किसी शख्स से आप अगर मोहब्बत करते हैं तो उसकी हर चीज़ प्यारी होती है। बिल्कुल, तो यही चीज़ वतन से मुतालिक है कि अगर शायर या अदीब हमारे मुल्क के, हिंदुस्तान जन्नत निशान के किसी भी पहलू को पेश करता है, उसकी तारीफ करता है, तो इसका मतलब है कि वो वतन से मोहब्बत करता है जी। तो हुब्बुल वतनी के अगर एक आम से मानी लिए जाएं सरसरी तौर पर, तो यही है कि हम वतन के हर ज़र्रे से, हर चीज़ से, चाहे और ख़ास तौर से यहाँ के इंसानों से, जैसा कि इकबाल ने भी कहा है कि खाके वतन का मुझको हर ज़र्रा देता है जी, तो ये चीज़ है कि हम हर चीज़ से यहाँ की मोहब्बत करें। आप शुरू से देख लें हमारे यहाँ शायरी में, इस पर अभी जो हम बात करेंगे कि चाहे खुसरो से लेके आज तक, हर एक शायर ने वतन के मुख्तलिफ नज़ारों पर जी, वतन की मुख्तलिफ अशिया पर जी नज़में कही हैं, तो यही हुब्बुल वतनी है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल नज़ीर अकबर आबादी भी है। नज़ीर अकबर आबादी है, और आप देखें कि हमारा उर्दू का जो सबसे पहला शायर हम जिसे मानते हैं अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जी, उसकी पूरी एक किताब मौजूद है जी, जी, और जिसमें यह है कि हिंदुस्तान अमीर खुसरो की नज़र में जी, तो आप अगर उस पर देखें तो खुसरो के यहाँ जितनी वतन परस्ती और वतन से मोहब्बत मिलती है, मेरा ख्याल है बाद के शायरों ने उसी को आगे बढ़ाया है। आप देखें गीतों में जी, दोहों में, कह मुकरनियों में, पहेलियों में, सब जगह हिंदुस्तानियत नज़र आती है, बावजूद इसके कि वो फारसी का अच्छा शायर है, उर्दू में भी उसने कही है, तो उस ज़माने से। और फिर आप अगर और आगे आइए डॉक्टर साहब, तो दकिन में जी, हाँ दकिन की शायरी जो आप देखें 15वीं, 16वीं, 17वीं सदी में है, उसमें तो सिर्फ हिंदुस्तान नज़र आता है। आप कुली कुतुब शाह की नज़म देख लीजिए जी, बरसात पे और बरखा रुत दूसरी कितनी कही हैं, और वली के यहाँ जी, उस तमाम शायरी में हिंदुस्तान ही की बू आती है,
और वो सब शायरी ज़मीन से जुड़ी हुई है, और ज़मीन से जुड़े होने का मतलब ये है कि शायर को अपने वतन से मोहब्बत है। वो जिस ज़मीन पर रहता है, जिन लोगों के दरमियान रहता है, आसपास की जो फ़िज़ा है उससे मोहब्बत करता है। जी, तो शफी अय्यूब साहब ये माने कि जैसा कि इब्न कमल साहब ने कहा कि अमीर खुसरो और उससे पहले जो दक्कन की बात हुई, वहाँ से हमारी रिवायत शुरू हो जाती है शायरी में बुलवतनी की। इब्तदा ताहल डॉक्टर साहब ने तफसील से बात कही कि वतन से मोहब्बत, तो जब हम वतन से मोहब्बत करते हैं तो वतन की हर चीज़ हमें प्यारी है। बिल्कुल, वो पहाड़ हमें प्यारे हैं, वो नदियाँ हमें प्यारी हैं, और इसीलिए आप देखें कि उर्दू शायरी का मिजाज ऐसा है कि उर्दू शायरी मुश्तरका कल्चर, मुश्तरका तहजीब की निशानी है। बिल्कुल, और फितरी तौर पे इसमें हिंदुस्तान की तमाम ये अनासर शामिल हैं, वतन से मोहब्बत का जज्बा शामिल है। तो अमीर खुसरो से डॉक्टर साहब ने इशारा किया, उस वक्त से लेकर के नज़ीर अकबर आबादी हों या इकबाल हों या हमारे और तमाम शायर, यानी जो खालिस गज़ल के शायर हैं, कहा जाता है कि गज़ल हुस्न इश्क की, उनके यहाँ भी वतन से मोहब्बत का जज्बा भरपूर मौजूद है और मौजूदा दौर तक मौजूद है। और वतन से मोहब्बत का इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है, जिसने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी, आपने कह दिया कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल, तो ये उर्दू शायरी का ख़जाना भरा हुआ है ऐसे ऐसे अशार से, ऐसी शायरी से। और अक्सर बड़ी दिलचस्प बात है कि कोई एक सिंफ ऐसी नहीं है जिसे नज़्म, सिर्फ नज़्म हमारी नज़मों में उर्दू हिंदुस्तान से मोहब्बत का जिक्र हो, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब का बहुत बुनियादी काम है दास्तानों पे, और उन्हीं दास्तानों से माखूज जो मसनवियाँ हैं, डॉक्टर साहब जिक्र भी करेंगे उनका, उनके अंदर जिस कदर हिंदुस्तानी अनासिर हैं, अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कुली कुतुब शाह की नज़मों का, उसमें ज़बरदस्त है। और मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं अल्लामा इक़बाल की तराने का दो शेर पढ़ दूँ। बिल्कुल, कि चिश्ती ने जिस ज़मीन पर पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दस्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। बहुत हो तो ये टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताप दे के जिनको चमकाए कहकशां से, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मका से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो वतन की मोहब्बत में ऐसे गीत गाने वाले ये उर्दू के शायर हैं। और जंग आज़ादी का हम जिक्र करेंगे अलग से कि जब 1857 से लेकर के 1947 तक जो हमारी आज़ादी की जंग चली है, उस जंग में उर्दू के शायरों ने भरपूर हिस्सा लिया है, अमली तौर पे भी और अपनी शायरी से भी, जज्बात को, चाहे वो हज़रत मोहानी हो या फिराक हो, फिराक साहब के बारे में मशहूर है, जेल में बंद थे आगरा की जेल में, भोला भाई देसाई, काका कालेलकर जैसे अजीम मुजाहिद आज़ादी उस जेल के अंदर थे, वहाँ महाना नशस्तें होती थी, उर्दू की शायरी होती थी। फिराक का शेर बहुत मशहूर है कि अहले जिंदा की ये महफिल है सबूत इसका फिराक, कि बिखर के भी ये शिराज़ा परेशान न हुआ। क्या बात, तो साहब ये उर्दू शायरी है। वहाँ से सिराजुद्दौला, आप प्लासी की जंग को याद कीजिए, सिराजुद्दौला की शहादत पे राजा राम नारायण लाल मौजू का शेर जो आज तक दिलों को गरमाता है, क्या खूबसूरत शेर उर्दू ने दिया उनकी शहादत पे, फिलवदी कह रहा, गजाला तुम तो वाकिफ हो कहो मजनू के मरने की, गजाला तुम तो वाकिफ हो कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी। तो कमल साहब, जैसा कि ये आपने बताया कि रिवायत शुरू होती है कुली कुतुब शाह, अमीर खुसरो से, और अच्छा चूँकि शायरी में मुख्तलिफ असनाफ हैं, और जैसा कि शफी अय्यूब साहब ने कहा भी कि हर सिर्फ में हुब्बुल वतनी की बात कही गई है, तो वो कौन कौन सी ऐसी असनाफ हैं जिसमें हुब्बुल वतनी की बात? शायरी में तो जो बुनियादी सिंफ है गज़ल, जी उसमें तो आपको मुख्तलिफ अशार मिल ही जाएंगे, लेकिन जैसा शफी साहब ने जिक्र किया, आप दास्तानें अगर पढ़ें, चाहे वो नसर में हों या मंजूम दास्तानें हों, उसमें जो आपको कुदरती मनाजिर का ज़िक्र मिलेगा, और हमारे बाज शायरों ने तो मसनवियाँ कही हैं। देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि वतन से मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ पैराई में होता है, और वो ये है कि आप यहाँ के रसूम से मोहब्बत कर रहे हैं, यहाँ की रसूमात से, यहाँ के मौसमों से, जी तो वो सब चीज़ें, या यहाँ जो पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, इनसे सबसे आप पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वतन से मोहब्बत कर रहे हैं, जैसे इन्होंने अभी शेर सुनाए। अब देखिए, मीर ने या फ़ाइज़ ने 18वीं सदी में, जब हमने आपको बताया कि दक्कन में जो शोरा थे, दक्कन के जितने शोरा हैं,
چاہے وہ قلی قطب شاہ ہوں یا آپ کے ملا وجی ہوں، نصرتی ہوں، غواسی ہوں، ولی ہوں، سب کی شاعری میں ہندوستان نظر آتا ہے اور ہندوستان کی مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، ان کی خوبصورتی بیان کی جاتی ہے۔ اب آپ دکن وہ شمالی ہند میں آ جائیے، شمالی ہند میں 18ویں صدی میں اردو شاعری شروع ہوتی ہے۔ 18ویں صدی میں کے شاعر جہاں جب فائز، قائم، ناجی، یہ سب ہیں۔ فائز دیکھیے ہولی کے بارے میں ایک شعر کہتا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہولی کا جو منظر ہے، جوں جھڑی ہر سو ہے پچکاری کی دھار، دوڑتی ہیں ناریاں بجلی کے سار، جوش عشرت گھر بگھر ہے ہر طرف، جوش عشرت گھر بگھر ہے ہر طرف، ناچتی ہیں سب تکلف بڑھ طرف۔ اب یہ دیکھیے ہولی کو، اب اس میں میں نے ایک بات جو آپ سے کہی تھی کہ جب آدمی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے تو اس میں مذہب کی قید نہیں رہتی۔ بالکل، آپ دیکھیں ہولی، دیوالی، یا یہ جو ہمارے ہاں کا گنگا جمنی مشترکہ کلچر ہے، اس میں ہندو ہو یا مسلمان ہو، کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، وہ تمام آپ کے تہواروں میں شریک رہتا ہے۔ اب دیکھیں میر تقی میر نے، میر تقی میر نے پوری ایک مثنوی لکھی در بیان ہولی، میر کی مشہور مثنوی ہے، جس کے دیکھیے کچھ شعر، قمقمے بھر گلال جو مارے، میوشاں لالا رخ ہوئے سارے، خوان بھر ابیر لاتے ہیں، گل کی پتی ملا اڑاتے ہیں، جشن نوروز ہند ہولی ہے، جشن نوروز ہند ہولی ہے، راگ اور رنگ اور بولی ٹھولی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جشن نوروز، جشن نوروز جو ہے وہ ایرانیوں کا تہوار ہے۔ جشن نوروز میں بالکل نئے سال کی طرح جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، میر تقی میر نے اسے ہولی سے تعبیر کیا ہے کہ جس طرح ایران میں یا مغل بادشاہ جشن نوروز مناتے ہیں قلعوں میں، اسی طرح پورے ملک میں ہولی منائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو کلچر ہے، پھر آپ اور اسی 18ویں صدی میں یہ آپ دیکھ لیے کہ ہمارے اردو کا سب سے بڑا عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی، نذیر اکبر آبادی نے ہولی پر، دیوالی پر، اور یہاں کے آپ کے یہ کہ سادھو سنتوں پر جتنی نظمیں کہی ہیں، میرا خیال ہے اردو کیا ہندی کے بھی کسی شاعر نے نہیں کہی ہوں گی۔ بالکل، برسات پر، یہاں کے موسموں پر، ہر چیز پر اس نے نظمیں کہی ہیں۔ اور ایک چیز ابھی جو ذکر ہوا کہ دیکھیے نظموں میں کہی جاتی ہیں، آپ ہندوستان کا ذکر کرتے ہیں، نظموں میں تو ہندوستان نظر آتا ہے، مرثیہ جیسی صنف، جی مرثیہ ایک ایسی صنف ہے جو خالص کہا جائے کہ ایک مذہبی، جو واقعات کربلا کا جس میں ذکر ہوتا ہے، آپ انیس کے مرثیہ دیکھ لیجئے، دبیر کے مرثیہ دیکھ لیجئے، ان کے یہاں جو ہندوستانیت نظر آتی ہے اس میں مشترکہ کلچر نظر آتا ہے، میرا خیال ہے اس کی مثال دوسری کہیں نہیں ملے گی۔ دیکھیے میر اس کے انیس کے مرثیوں میں کہیں سیرے کا بیان ہے، کہیں نیک کا بیان ہے، اور ہنا، سندل، آرسی مذہب، یہ سب چیزیں جو ہیں ہندوستانی کلچر سے۔ اب دیکھیں میں کچھ شعر مرثیے کے سناتا ہوں، دولہا بنے ہیں خون کی مہندی لگائے ہیں، سیرا تمہیں دکھانے کو مقتل سے آئے ہیں۔ اب یہ سیرا اور مہندی صرف ہندوستانی، ندی لہو کی چاند سی چھاتی سے بہ گئی، بہنوں کی نیگ لینے کی حسرتی رہ گئی۔ اب یہ نیگ لینا اور بہنوں کا، یہ ہندوستانی رسموں سے متعلق ہے۔ دبیر کا اور آپ شعر دیکھیے، رن میں ہے بنا گھر میں بنی جاتی ہے رن میں، رن میں ہے بنا، بنا یعنی دولہا، بنا اور بنی، رن میں ہے بنا گھر میں ہے، گھر میں بنی جاتی ہے رن میں، ہے آرسی مذہب کی گھڑی دولہا دلہن۔ اب یہ آرسی مذہب کی رسم عربوں میں تو نہیں ہوتی، جس کا ذکر واقعی کربلا میں کیا جا رہا ہے مرثیے میں۔ یہ اور دیکھیے، بانوئے نیک نام کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے۔ اب یہ مانگ بھرنا سندل سے، یہ خالص ہندوستانی، خالص ہندوستانی ہے۔ اب اس میں آپ مرثیے میں جو آپ ہندوستان دیکھ رہے ہیں وہ تو نہیں ہے جو عراق کے کربلا میں ہے اس زمانے میں۔ تو یہاں ہندوستانی تہذیب اور ہندوستان
जो हमारी शायरी में नज़र आता है वो मेरा ख्याल है दूसरे जबानों में नहीं मिलेगा, जो हिंदुस्तान जी। आप हमारे हर शायर ने, चाहे वो इकबाल हों, नज़ीर हों, जोश हों, चकबस्त, सुरूर जहानाबादी, कमल डिबाई भी, आखिर आज तक के शायरों के यहाँ हिंदुस्तान के हर चीज़ की तारीफ जी दिखाई देती है। अच्छा, बाकायदा तौर पर शफी अयूब साहब अगर हम देखें जो हुब्बुल वतनी पे ख़ास नज़में कही गई हैं, उसको कहाँ से आप देखते हैं कि इकबाल से शुरू होता है ये सिलसिला या कहाँ से शुरू होता है? डॉक्टर साहब, बड़ी दिलचस्प बात आपने कही, यहाँ तक कि जब सियासी एतबार से हुब्बुल वतनी या वतन का कोई बहुत ख़ास डिफिनेशन, तारीफ अभी वजूद में नहीं आई थी, उस वक्त से उर्दू शायरी ने हुब्बुल वतनी का नारा बुलंद कर दिया था। इकबाल के यहाँ से इसकी नहीं मिलती। डॉक्टर साहब ने अभी अशार जो सुनाया आपको जी, फाइज के यहाँ बात कह रहे हैं, मीर के यहाँ कह रहे हैं, सौदा के यहाँ कह रहे हैं, उस वक्त ये वो वक्त था, 18वीं सदी की बात की आपने, ये सब गैर शऊरी तौर पर चल रहा ये था। यानी एक मुत्तहदा हिंदुस्तान का तसव्वुर इससे पहले कि सियासी तौर पे सामने आता, उससे पहले शायरों के दिमाग में वो चीज़ें पल रही थी और उर्दू शायरी के खमीर में ये चीज़ शामिल थी। डॉक्टर साहब ने जो बातें कही, मसनूइयों का जो जिक्र किया जी। एक सवाल था आपका कि वो कौन सी असनाफ है जिसमें हुब्बुल वतनी का ज़्यादा जिक्र किया गया है? कोई ऐसी सिंफ नहीं है उर्दू शायरी की जिसमें हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरसार अशार, मिसरे न मौजूद हों, कतात, रुबाइयात, गज़लें और देखें तो कसीदे के तशबीह, जी हाँ, तो सब हिंदुस्तान है, बहार का जो जिक्र, वो यहाँ की नदियाँ हैं, गंगा पे जितनी नज़में कही गई हैं, गंगा का जितना जिक्र आया है, गज़लों के अंदर गंगा का जिक्र है, गंगा के बगैर उर्दू शायरी का कोई जिक्र, कोई तसव्वुर नहीं है। और एक और बात की तरफ इशारा ये करना चाहता हूँ कि ये जो मवाद जिसका जिक्र डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये खाल खाल नहीं है कि कहीं आपको तलाश करना हो, किसी शायर का दीवान उठा लीजिए, किसी शायर की कुल्लियात उठा लीजिए, हर सफ़े पे, हर वर्क पे दास्तान हिंदुस्तान बिखरा है। अल्लामा इकबाल जैसे शायर के बागे दरा, कुल्लियात इकबाल, पहली नज़्म है हिमाला जी, ए हिमाला, ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तान, ये जिक्र है, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पसमा हमारा, किसको गोदी में खेलती हैं, जिसके हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश्के जिना हमारा, ये उर्दू शायरी है कि नदियों का जिक्र, पहाड़ों का जिक्र, लोग और जिन त्योहारों का जिक्र किया। होली का जिक्र यूं ही नहीं आया है, होली का जिक्र तमाम शायरों की है। डॉक्टर साहब अभी अशार पढ़ के सुनाए, नज़ीर किया, कोई ऐसा हिंदुस्तान का त्यौहार नहीं है जिसका जिक्र उर्दू शायरी के अंदर मौजूद नहीं है। वजह क्या है कि ये मुल्क अपने आप में बड़ा अजीब मुल्क है। अच्छा, एक बात और भी है कि जो बड़ी शख्सियात यहाँ रही है उनके ऊपर भी नज़में कही हैं। कोई ऐसी बड़ी शख्सियत नहीं है जिसको आप देखिए, इकबाल, सागर निज़ामी ने राम पर नज़में कही जी, गौतम, और आप देखिए हसरत सीमाब की मशहूर नज़में हैं कृष्ण जी पर, गुरु नानक जी पर, तो कोई ऐसा वो नहीं है कि फ़र्क है। और देखिए हमारे गैर मुस्लिम जो शायर हैं, चाहे वो कुंवर महेंद्र सिंह बेदी हों, आप मौजूदा अहद में चंद्रभान ख्याल जी, चंद्रभान ख्याल ने जो सीरत पर एक तवील नज़म लिखी है, बहुत खूब, तो ये मुश्तरका कल्चर की देन है जी, कि हम जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं उससे मोहब्बत हर फर्द का अव्वलीन फरीजा है। डॉक्टर साहब, वतन से मोहब्बत तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक आप पहले वतन से मोहब्बत नहीं करेंगे। इस मुल्क के अंदर रहने वाला हर शख्स हिंदुस्तानी है और हम हर हिंदुस्तानी से मोहब्बत करते हैं, तभी हम मादरे वतन से मोहब्बत कर सकते हैं। तो ये जो हम हुब्बुल वतनी कहते हैं, हम वतन से मोहब्बत कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वतन के जर्रे जर्रे से मोहब्बत करते बिल्कुल हैं, सही है, वतन करते का हैं। मतलब और इसीलिए कि जितने मजहब के लोग हैं उनके जो रहनुमा हैं उनकी शान में उर्दू शायरी के अंदर आगरे का मस्त जोगी नज़ीर अकबर आबादी कहता है कि अब आगे बात जन्म की है बोलो कृष्ण कन्हैया की। ये उर्दू का शायर है जो कहता है अब आगे बात जन्म की है बोलो कृष्ण कन्हैया की। अल्लामा इकबाल कहते हैं अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को के बारे में पूरी नज़्म मौजूद है। गायत्री मंत्र का तर्जुमा करते हैं, ऐ आफ्ताब तू हमें ज़ियाए शऊर दे। तो ये तमाम चीज़ें उर्दू शायरी में, और खाल खाल नहीं, कहीं कहीं नहीं है, तफसील हर जगह में तफसील मौजूद है। कई हज़ार सफ़ात की इंसाइक्लोपीडिया आप तैयार कर सकते हैं और आधा दर्जन किताबें मेरी नज़र से गुजरी हैं जिनमें इनको एकजा कर दिया गया। हिंदुस्तान हमारा के नाम से जानिसार अख्तर, मशहूर तरक्की पसंद शायर, ने दो जिल्दों में वो किताब पूरी तरतीब दी। जमील मजहरी ने भी एक मशहूर नज़्म है उनकी भारत माता, बहुत जो हमारे कोर्स में भी है, शामिल है। और डॉक्टर साहब इकबाल का जिक्र कर रहे थे, इकबाल जैसा शायर हुब्बुल वतनी के को बढ़ावा देने के लिए जो नज़्में कह रहा था,
आप इजाज़त दें मैं तीन मिसरे चार मिसरे सुनाता हूँ जो ये कह रहा है कि यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, ये हमारी रवायत रही हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान ने इल्म दिया है सारी दुनिया को, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहाँ को जिसने इल्म और हुनर दिया था, मिट्टी को जिसकी हक ने जर का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। वाह वाह वाह। अच्छा देखिए, और शायरी की बात हो और गालिब का जिक्र ना हो, तो जो गालिब का जो दौर है, ख़ास तौर से मोमिन हैं और ज़ौक़ हैं और बहादुर शाह ज़फ़र हैं, उनके वक्त में भी इस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है आपको? देखिए वहाँ तो गज़ल है, गालिब के यहाँ आप गालिब के खतूत उठा के देख लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि शायरी में, गालिब के खतूत उठा कर देख लीजिए, गालिब जिस तरह अपने मुल्क की बर्बादी का जिक्र करते हैं, वो क्या है, वो वतन से मोहब्बत। आदमी का जब किसी का घर लुटता है तब जो दर्द महसूस होता है, तो अंग्रेज़ों ने जो जुल्म मजालिम किए 1857 पर, तो उसका इजहार गालिब के खतूत में मिलता है। बिल्कुल। और जितने उस ज़माने के शायर गालिब के मुआसिर जितने हाली जी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद सब नज़में कहीं उसके हाली की तो कितनी नज़में हैं, हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद और उस अहद के जितने शायर हैं, उन नज़मों की इब्तदा बाकायदे जो हुई वो एक बहुत ख़ास मुजाहिद आज़ादी और शायर को भूल रहे हैं इस वक्त, बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र का, बहादुर शाह ज़फ़र ने तो पूरी अपनी ज़िंदगी, सब हम भूल नहीं रहे, माफ़ कीजिएगा जी, मजबूरी ये है कि ये फहरिस्त इस कदर तवील है कि हम इसके कई रोज़ गुफ्तगू कर सकते हैं इन बातों पे। उसमें आप ज़रूर उनका ज़िक्र करें इस वक्त के उन्होंने, वो शख्स क्या है जो आखिरी दम तक रंगून में जिसके कैद में मज़ार जिस वतन की मिट्टी को तरस रहा है और कह रहा है कि दो गज़ ज़मीन भी न मिली कुएं यार में, इससे उसकी मोहब्बत का उस उर्दू के शायर के तौर पर हम उसे देखते हैं, बात पूरी तो उसकी वतन की मोहब्बत देखिए जो उर्दू का शायर है ज़फ़र, हम ज़फ़र उर्दू के शायर के तौर पे बात कर रहे हैं, ज़फ़र की बेहतरीन शायर उर्दू का जो वतन से मोहब्बत के लिए दो गज़ ज़मीन, एक मिसरे में देखिए कितनी मोहब्बत है वतन से, ज़फ़र दफने के लिए दो गज़ ज़मीन कुएं, जो वतन को कुएं यार से उसने कुछ तड़प रहा है, वहाँ की वतन की मिट्टी चाहिए हमको आखिरी वक्त। अच्छा अब चूंकि ये रिवायत आपने बताई अमीर खुसरो और कुली कुतुब शाह से चल के आती है, आज के दौर में आपको लगता है कि हुब्बुल वतनी बिल्कुल बेशुमार, एक नहीं बेशुमार, बेशुमार बेशुमार। आज का शायर कहता है कि कोई मौसम हो, कोई मौसम हो हवा लेके चली आती है, मलिकज़ादा मंजूर का शेर है, जी, जी, कोई मौसम हो हवा लेके चली आती है दूर परदेश में भी खाके वतन की खुशबू, और चंद लम्हों में कर देती है सुबह रोशन नात की हमद की पूजा की भजन की खुशबू। तो ये उर्दू शायरी है, पूजा भी है, भजन भी है, नात भी है, हमद भी है, और दूर परदेश में खाके वतन की खुशबू, याद की शायरी हर शायर कह रहा है, वतन से मोहब्बत का दर्द दे रहा है। और कौन ऐसे कमल साहब, देखिए जफर अली खान का कुछ है जी, नाकोस से गरज है न मतलब अजां से है, ये आप मुश्तरका तहजीब हिंदुस्तान इसमें नजर आ रहा है, नाकोस से गरज है न मतलब अजां से है, मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से है, ये हुब्बुल वतनी है, मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से है, तहजीब हिंद का नहीं चश्मा अगर अजल, ये मौज रंग रंग फिर आई कहाँ से, ये जुबैर रिज़वी जर्रे में गर तड़प है तो इस अर्ज़े पाक से, जर्रे में गर तड़प है तो इस अर्ज़े पाक से, सूरज में रोशनी है तो इस आसमां से है, यानी शायर आप देखते हैं कि शायरी या अदब जो है उसमें मुबालगे से बहुत बयान किया जाता है, लेकिन शायर कहाँ तक पहुँचता है कि सूरज की चमक भी जो है वो भी मेरे वतन से है, जर्रे में जो रोशनी है वो भी मेरे वतन की चमक है, तो ये मोहब्बत है। आप आज के शायरों में देख लें बेकल उत्साही के गीत, जुबैर रिज़वी, ये इन लोगों के गीत आप देखें जी, अब अगर किसी वक्त फिर आप जहमत दीजिएगा बिल्कुल तो फिर इंशाल्लाह बातें करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब हम इस जुबैर रिज़वी के शेर पर ही ये प्रोग्राम ख़त्म करें, ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार है मुझको, इससे प्यार है मुझको। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और यकीनन हमारे तालिब इल्मों ने उर्दू शायरी में हुब्बुल वतनी जो मौजू था उससे इस्तेफादा किया होगा। आइंदा फिर आपके किसी सबक के साथ उर्दू में हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
बनिए प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय के लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय के लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों